टेक्सटेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप गूगल पे या फिर जी पे ऐप में किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ यूजर से मतलब है जिनको आप पैसे भेजते हैं या जिनसे आप पैसे रिसीव करते हैं, यानी जिनसे भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उन यूजर्स को किस तरह आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं जीपे ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जीपे ऐप ओपन हो चुका है। हम स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पीपल लिखा हुआ है जिसमें तीन यूजर्स हैं, यानी आपने जिस किसी को भी पैसे भेजे होंगे या जिनसे भी पैसे लिए होंगे वो यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक रैंडम यूजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों टैप करते ही उस यूजर से रिलेटेड स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे को इन यूजर को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर राइट साइड में तीन डॉट्स हैं, इस पर टैप कीजिए, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक दिस पर्सन, ब्लॉक करने के लिए इस सेकंड ऑप्शन पर टैप कीजिए। टैप करते ही आपसे कंफर्मेशन मांगेगा जिसमें यूजर का नाम लिखा है और लिखा है वोंट बी एबल टू कॉन्टेक्ट यू ऑन गूगल पे और ऑन अदर गूगल सर्विसेज। तो ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक के बटन पर टैप कर दीजिए। इस तरह दोस्तों आप किसी भी यूजर को गूगल पे में या जी पे में ब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर अनब्लॉक की बटन मिलेगी राइट साइड पे, इस पर टैप कीजिए। तो इस तरह आप बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर किसी भी यूजर को जीपे पे या गूगल पे ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।